हरमनप्रीत पर और भी मुसीबतें मंडराने लगी हैं। आईसीसी उन पर पहले ही दो मैचों का प्रतिबंध लगा चुकी है, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ क्रिकेटरों को ये बहुत छोटा लग रहा है। बांग्लादेश के खिलाफ मैच के दौरान हरमनप्रीत ने क्या किया, अब उस पर कई पूर्व क्रिकेटरों के बयान आने शुरू हो गए हैं। कई लोग हरमनप्रीत को बता रहे हैं कि वो अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल रही थी, गली क्रिकेट नहीं। पूर्व भारतीय क्रिकेटर डायना एडुलजी ने चिंता जताते हुए कहा कि खेल के बाद जो हुआ वो अनावश्यक था, क्योंकि हरमनप्रीत कप्तान है। उन्होंने अपने साथियों के लिए खराब उदाहरण पेश किया है, यह हरमनप्रीत के व्यवहार को और भी अस्वीकार्य बनाता है। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद आफरीदी ने कहा यह हरमनप्रीत ने तो हद ही कर दी, यह आईसीसी का बहुत बड़ा इवेंट था, लेकिन पनिशमेंट के साथ साथ आपने अपने फ्यूचर के लिए एक एग्जाम्पल सेट किया है। आप क्रिकेट में एग्रेसिव हो सकते हैं, पर कंट्रोल्ड एग्रेसिवनेस अच्छी होती है, लेकिन ये बहुत ज्यादा थी। भारत के पूर्व क्रिकेटर मदन लाल ने हरमनप्रीत पर बेहद कड़वी बातें कही है। बांग्लादेश महिला टीम के खिलाफ हरमनप्रीत का व्यवहार दयनीय था, वो खेल से बड़ी नहीं है, इससे भारतीय क्रिकेट का बहुत बुरा नाम हुआ है। बीसीसीआई को कड़ी से कड़े डिसिप्लिनरी एक्शन हरमनप्रीत के खिलाफ लेना चाहिए। पर क्या दो मैचेस का बैन एक बड़ी कार्रवाई नहीं है, या फिर बीसीसीआई को भी अलग से हरमनप्रीत पर बैन लगाना चाहिए? आप हमें इसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इस तरह की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।